पहली और दूसरी लहर ने जीवन को पलट कर रख दिया है। इससे हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई है और लाखों की संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। अब आज कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। कहा जा रहा है कि यह तीसरी लहर बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी। जरूरत है बच्चों का खान पान पर विशेष ध्यान देना, तभी हमारा शरीर कोरोना सहित अन्य रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए आज हम इसी जरूरत को देखते हुए बात करेंगे डिवीज बैलेंस क्लिनिक की संचालिका और आहार तज्ञ गीता मेहता से। जानेंगे हमारा और हमारे बच्चों का खान पान कैसा हो, ताकि हम कोरोना सहित अन्य रोगों से कैसे लड़ सके। नमस्कार, मेरा नाम डाइटिशियन विनीता मेहता है और मैं पिछले 16 सालों से डाइटेटिक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक है दीवीज वेलनेस क्लिनिक मनीष नगर में, और आप सभी का धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। विनीता मैम, आप मुझे बताइए कि देखा जा रहा है अभी कोरोना के दो दौर होने के बाद तीसरा दौर, जो तीसरी वेव है, ये छोटे बच्चों पर बताई जा रही है कि तीसरी वेव जो है छोटे बच्चे पर आएगी और बहुत ज़्यादा घातक होगी। इसको लेकर बहुत सारी चिंताजनक स्थिति घर में माता पिताओं की हो चुकी है। तो अगर खान पान की बात अगर की जाए तो बच्चों में खान पान कैसा होना चाहिए जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बना रहे, क्या कहेंगे आप? जी जी, देखिए जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो तो हर स्टेज में हमारे लिए ज़रूरी है। डेफिनेटली पिछले एक डेढ़ साल में जो कोविड ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, जिसने हमारे सामने बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस देख रहे हैं हम, और उन सब में बच्चे हों बड़े हों, सभी ने ये इम्पॉर्टेंस समझी है कि हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना पीना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी के साथ साथ बच्चों में जो ग्रोइंग एज होती है, ब्रेन डेवलपमेंट्स होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो सब हमारे फूड के कारण ही होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो ही हमें स्ट्रांग बनाता है। तो बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए पेरेंट्स को इनिशिएशन लेना बहुत ज़रूरी है राइट फ्रॉम स्टार्ट। आई ऑलवेज से कि छोटे बच्चों को जो खान पान की आदतें हम घर में डालते हैं, उससे उनका एक जर्नी डिसाइड होता है, हेल्थ जर्नी। और नेचुरल फूड, यू नो, जो भी हमारे घर पर बनता है, हमारा ट्रेडिशनल फूड, सीजनल फूड, वो हमें खाना इम्पॉर्टेंट है। और घर में सबका एक साथ सारी चीज़ों को लेना, इन्जॉय करना, उस फूड को, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझना वो ज़रूरी है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होगा इसमें टू बिल्ड हेल्दी न्यूट्रिशन। मैम, अगर न्यूट्रिशन बात करें, कौन कौन से ऐसे फल है या सब्जियां हैं जिससे, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर ग्रो होती है, क्या कहेंगे? ओके, देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली कुछ फंक्शनल फूड्स होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हेल्दी बैलेंस मील, जिसमें कि सभी फूड ग्रुप्स इंक्लूड हों। हमारे कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं बेसिक फूड्स जिनसे हमारा खाना बनता है, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सभी तरीके की सब्जियां, और यू नो सभी चीज़ों को मिलाकर जो हमारा खाना बनता है। तो अगर छोटे बच्चों के लिए मैं बात करूँ कि बच्चे इसको कैसे समझेंगे कि हमारे लिए इम्यूनिटी कैसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें बढ़ाएंगी, तो ऐसी चीज़ें खाने में होनी चाहिए जो कि कलरफुल हो। यू नो, छोटे बच्चों को अगर हम समझाएं कि आप रेनबो डाइट खाइए, हर तरीके के कलर्स आपके खाने में होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, ऑरेंज और रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उनको आप अपने खाने में रखिए। साथ ही साथ फंक्शनल फूड्स में आप ध्यान रख सकते हैं कि छोटे छोटे, यू नो, किचन इज़ आर मेडिसिन बॉक्स, तो अगर आप किचन में देखें तो हल्दी है, जिंजर गार्लिक का यूज़, यू नो, अदरक लहसुन का यूज़ हमारे यहाँ सालों से, बरसों से होता आ रहा है, और इंडियन डाइट अपने आप में एक काफ़ी कंप्लीट डाइट है जिसमें हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो पेरेंट्स की अवेयरनेस के साथ साथ जब ये चीज़ें आएंगी तो बच्चों में भी ये चीज़ें इनबिल्ट होना शुरू होंगी। मैम, अगर बात की जाए तो खान पान की अगर बात करें, छोटे बच्चे हैं, खान पान में ध्यान नहीं देते, कुछ भी खाने में आता है, तो ऐसा क्या नहीं खाना चाहिए बच्चों ने जिससे इम्यून सिस्टम पे असर करते हैं? देखिए, नहीं खाने वाली जो चीज़ें हैं वही बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मानकर चलिए कि जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसा फूड जो कि बहुत ईजिली बच्चों में अवेलेबल है और ये बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं, तो कभी कभार इसे लिया जा सकता है। लेकिन बेसिक जो आपका डाइट है वो बैलेंस मील होना चाहिए, जिसमें घर का बना हुआ होम फ्रेश फूड्स आप ले सकते हैं, और उसमें सभी तरीके के फूड ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए, बैलेंस मील, और साथ साथ कभी कभार बच्चे अपनी पसंद का खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। बट कोविड के कारण आप प्लीज़ ध्यान रखें कि बाहर का खाना
ना खाएं, घर का बना हुआ फ्रेश। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद होता है कि वो नूडल्स या मैगी इंजॉय करता है, तो अगर हम उसका हेल्दी वर्जन उनको दें, लाइक कि अगर 60% हम उसमें वेजिटेबल लोड दें और उसके साथ साथ नूडल्स को या मैगी को बनाया जाए, तो बच्चा जो खा रहा है वो एक कंप्लीट मील ले रहा है, यू नो, एडेड ऑफ, आपने उसका न्यूट्रिशन बढ़ा दिया। इसी तरीके से जब बच्चे हेल्दी स्नैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो पेरेंट्स की चॉइस होती है कि वो चिप्स या किसी तरीके का यू नो फ्राई बच्चों को सर्व करें, उससे बेटर है कि आप बच्चों में फ्रूट की हैबिट डालें, घर का बना हुआ सादा छाछ, जलजीरा, कोकोनट वाटर, इंस्पाइट ऑफ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली जा रही हैं गर्मी के समय में अभी, तो इसकी जगह पे अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन उनको ऑफर करते हैं, तो बच्चों को भी पता है कि ये हमारी चॉइस हो सकता है, एंड दिस इज़ ब्लेसिंग, यू नो। आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर आपका बच्चा हेल्दी खाना उठा रहा है खाने के लिए, दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर पेरेंट्स, और यही अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए। जैसे कोरोना के देखते हुए हमने देखा है कि सारी फैमिलीज, माता पिता इम्यूनो कॉन्शियस हो चुके हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में अपने बच्चों को अलग अलग डाइट सप्लीमेंट और अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग एंटीबायोटिकल सप्लीमेंट ये दे रहे हैं, ये किस हद तक के ठीक लगता है? देखिए सप्लीमेंट्स के बारे में तो मैं यही बोलूँगी, सप्लीमेंट वर्ड ही अपने आप में एक यू नो सप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को जो ऑलरेडी आपके पास है उसको आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा कर दे रहे हो। तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो, अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी है तो वो एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा जाना चाहिए। अननेसेसरली आप अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें अगर लेंगे तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स, ये एक बेसिक ये होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस के लिए एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लें, डॉक्टर्स की बताने के बाद ही लें। चैनल के माध्यम से खड़ियों को ध्यान में रखते हुए खान पान के लिए जनता को क्या संदेश आप देंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस इज़ द की, हम अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझें। आज कोविड है, कल कोई नया वायरस होगा और ये हेल्थ चैलेंजेस हमारे साथ हमेशा रहेंगे, तो सिंस चाइल्डहुड बच्चों में अच्छी आदतों को डालना और उस चीज़ को कंप्लीट करना आपके पूरे पूरे लाइफ साइकिल में, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, हेल्थी फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस को कंप्लीट करना, स्ट्रेस से अच्छे से फाइट आउट करना, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं अपने उसमें, तो एक अच्छा यू नो लाइफ साइकिल हम इंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छी हैप्पीनेस इंजॉय कर सकते हैं, और ये हर एक मेंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होना चाहिए कि हेल्दी बैलेंस मील इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सही क्वालिफाइड पर्सन से ही इसकी सलाह लीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को खाने में रखिए, जिससे कि आपका लाइफ साइकिल हेल्दी हो सके। तो जो खान पान की बात तो है, लेकिन कोरोना के इस पीरियड में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन और बच्चों का टीवी देखना, स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये किस हद तक की घातक हो चुके हैं बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, यही एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि हमारा जो लॉकडाउन पीरियड में जो हमारी फैमिली का शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, वो बहुत ही मिसमैच है, समय का ध्यान नहीं है, उसके कारण क्या हो रहा है, और जितनी भी क्लासेस हैं या जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं, तो बच्चों के स्क्रीन टाइम पे इसका काफ़ी असर आ रहा है, और जिससे उनके मानसिक और साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी बच्चों की कम होती है अगर एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं हो। तो जो बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल होता है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे सोने जागने का एक निश्चित समय होना चाहिए, खाना खाने का एक निश्चित समय होना चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान दें कि 3 मेजर मील्स हमारे खाने में जो होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके साथ साथ बीच में अगर स्नैक्स लिए जाएं तो हमारी बॉडी में सारा दिन एक एनर्जी लेवल बना रहता है और हमारे बॉडी को सारी फूड ग्रुप के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, आपके टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वाटर इनटेक, बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, तो कोशिश कीजिए कि बच्चों में हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, और यू नो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक क्या कहना चाहिए उसको, रोल मॉडल बने। आप जैसा कर रहे हैं बच्चे सेम वही चीज़ें करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी
अपने शेड्यूल को अच्छा करें, बच्चों के साथ फिजिकली एक्टिवली इन्वॉल्व हों, उनके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जाए। आप आउटडोर्स नहीं जा सकते हैं तो कोशिश करो कि आप अपने घर के गार्डन में ये सारी चीज़ें रखें। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल टिप्स जिससे कि आप अपनी फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल के टाइम पे जो कोविड का समय चल रहा है, इसमें बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि थर्ड वेव जो आएगा वो बच्चों की हेल्थ के लिए चैलेंजिंग रह सकता है, और इसमें हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है जो कि खाने पीने से संबंधित हो सकता है। हमारा खान पान हमारी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और अगर हम हमारे बच्चों को एक अच्छा खान पान देंगे तो हम इन सब चीज़ों से उन्हें बचा कर रख सकते हैं। तो ये जानने के लिए डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों का खान पान कैसा रखा जाए, और साथ ही बच्चों को डेली रूटीन में किस तरीके से चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए। बच्चों के खान पान से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे पते पर कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।